कंप्यूटर एथिक्स क्या होता है ये कंप्यूटर एथिक्स, तो आइए जानते हैं स्टोरी के माध्यम से। एक बार एक टीचर ने अपने क्लास के दो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा। यह दोनों स्टूडेंट्स ने डेडिकेशन के साथ अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। प्रोजेक्ट बनाते वक्त जेम्स को लगा कि सोफी उससे बेहतर प्रोजेक्ट बना सकती है। एक बार सोफी अपने डेस्क पर मौजूद नहीं थी, इसका फायदा उठाते हुए जेम्स ने उसके प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर दिया। जैसे ही सोफी अपने डेस्क पर वापस आई, उसने देखा और कहा, हे भगवान, मेरा यह प्रोजेक्ट किसने बिगाड़ दिया है। सोफी बहुत गुस्से में थी और वो बहुत परेशान भी थी, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह इस बात का पता लगा के ही रहेगी। अब सोफी को पता चल चुका था यह जेम्स की हरकत है, तो उसने बदला लेने के लिए जेम्स का प्रोजेक्ट खराब किया। अब एक निर्धारित समय पर सोफी और जेम्स ने अपना प्रोजेक्ट अपनी टीचर को दिखाया। अपने प्रोजेक्ट्स में बदलाव देखते हुए वह एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करने लगे। टीचर पहले से ही सब कुछ नोटिस कर रही थी। टीचर ने कहा, तुम दोनों के ये अनएथिकल एक्शंस हैं, ट्रस्ट और बिलीव तोड़ा है, एक दूसरे से माफी मांगो। एट द एंड एथिक्स हमारे बिलीव्स एंड रूल्स हैं, जिनको हमें सही तरीके से फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा कंप्यूटर वर्ल्ड सिक्योर बना रहे। थैंक यू।